सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग. अभी 6:30 हो रहा है. तो आज हम करने वाले हैं माय ऑल डे रूटीन. तो आप इस वीडियो को जरूर एंड तक देखना, क्योंकि आप देखने वाले हो मैं सुबह उठने से लेकर रात तक करती क्या हूँ. और हाँ गाइस, मेरे पास आपके लिए एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज है, तो वीडियो को जरूर एंड तक देखना. सो अभी 6:30 हो रहा है और मैं उठ गई हूँ. तो चलो अब उठ के हमारा आगे का रूटीन रिकॉर्ड करता है. अरे मेरा वीडियो इधर आओ. तभी आप सोच रहे कि गाइस कि मैंने ये फ़ोन क्यों लिया है वॉशरूम में. अब अंदर आओगे तो पता चलेगा. सो अभी मैं अब इतना आलस आता है तो इसलिए मैं गाना सुनती हूँ तो मेरे को एनर्जी आ जाता है. और दिन की शुरुआत गाना सुनते हुए से बेहतर और क्या हो सकता है. तो मैं गाना लगा के अपना ब्रश करती रहती हूँ. अरे अभी तो क्या ही हो. अच्छा मैंने अभी ब्रश कर लिया, अभी वर्कआउट करने का टाइम है. तो मैं अभी जा रही हूँ अपना वर्कआउट करने. और वर्कआउट मैं करूंगी बालकनी में, क्योंकि वहां तो सनराइज हो रहा होता है और नेचर को देखते देखते वर्कआउट करने का तो अलग ही मजा है. तो चलो अभी चलते हैं. और अनु तो अभी सो ही रही है, उसको मैं 7:30 को उठाऊंगी, इरिटेट करूंगी. सो अब इस टाइम पे सनराइज हो रहा होता है और बालकनी में वर्कआउट करने का तो मजा ही अलग होता है. एकदम मस्त फ्रेश एयर, सनराइज देखने को मिलता है तो अच्छा लगता है. तो मैं वर्कआउट करती हूँ अभी. मैं तड़ा तैयार हो गई और मैंने स्कूल यूनिफॉर्म पहन लिया. अब नीचे आप सोच रहे हो कि मैंने पजामा पहना है. अब यहाँ तक तो दिखता है, नीचे जो पहनना है पहनो. तो मैं तो कुछ कंफर्टेबली पहन के बैठी रहती हूँ, पजामा पहन लेती हूँ. तो चलो अभी मुझे लेट हो रहा है, जल्दी जल्दी मैं ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर लेती हूँ. तो वो 2:00 तक रहेगा और उसमें बीच में 2 ब्रेक्स रहते हैं. तो गाइज अभी हमारा ऑनलाइन क्लासेस के बीच में ब्रेक चल रहा है, तो अभी 15 मिनट का स्नैक्स ब्रेक है. तो मैं तभी अपना ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ. तो चलो अभी हम आपको ब्रेकफास्ट में मिलते हैं. दड़ा हमारा ब्रेकफास्ट आ गया. सो आज मैं ग्रेप्स खा रही हूँ, ब्लैक ग्रेप्स. सो गाइज अभी मेरा ब्रेकफास्ट हो गया, तो अभी मैं वापस अपने ऑनलाइन क्लासेस कंटिन्यू करती हूँ. अब आपको हम सीधा मिलेंगे स्कूल के बाद लंच टाइम पे. तो गाइज अभी ऑनलाइन स्कूल खत्म हो गया, इट्स 2:00 एंड ऑब्वियसली मैंने टी शर्ट बदल लिया स्कूल यूनिफॉर्म से. एंड अभी लंच का टाइम है और मुझे काफ़ी भूख लगी है. आ गया तुम्हारा लंच. यस, तो आज मम्मी ने हमारे लिए पालक पनीर बनाया है, भिंडी बनाया है, दाल है और रोटी तो होगी ना. तो गाइज आपको पता है ये तो हमारा एक बहुत बड़ा एडवांटेज है ओवर और लाइक नॉर्मल स्कूल वर्सेस ऑनलाइन स्कूल में. मिस पढ़ा रही, वीडियो ऑफ करके आराम से खाओ, किसी को पता भी नहीं चलता है. तो वो हम करते हैं कई बार. तो गाइस अभी हमारा लंच हो गया एंड टाइम हो रहा है 2:30. तो अभी मैं जा रही हूँ अपने रूम में वापस. गाइस मैं तो बहुत थक गई. अब क्या था, हम लोग रिकॉर्ड कर रहे थे लंच खाते हुए, तब उसमें इतना बार कट करते कि कुछ ज़्यादा ही खा गई. तो मैं बहुत थक गई हूँ. अब जब ऑनलाइन स्कूल ख़त्म हो जाता है और लंच हो जाता है तो मुझे बस एक चीज़ का इंतज़ार रहता है, वो है आराम का. एंड यू नो टाइम भी स्क्रीन से ऑफ होना चाहिए, क्योंकि अब इतना टाइम 6 घंटे स्कूल था और बैक टू बैक था तो बहुत थक जाते हैं एंड स्क्रीन टाइम भी बढ़ जाता है. तो इस टाइम पे मैं कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं छूती, बस गाना सुनती हूँ और रेडी को हक करती हूँ, जो मैं अभी करने वाली हूँ. कुछ लेके आई हूँ. आज मैं सोचा आज तेरा मर्डर कर ही लूं. स्प्रे से मेरा मर्डर होगा. 99.9% जर्म्स को मार डालता है, तू तो सबसे बड़ी जर्म्स है. मैं मर गई. तो गाइस देखे ना आप, अंश का कितनी इरिटेटिंग है. तो उसने इरिटेट कर लिया तो उठ ही जाते हैं हम, अपना भी पढ़ाई करनी है हमें एंड ऑल करना है. तो चलो उठ जाती हूँ मैं. एनीवेज अच्छा सा आराम हो गया एंड मैंने अपनी एनर्जी रीगेन कर लिया. सो लेट्स गेट टू वर्क. सो गाइस अभी टाइम है मेरा पढ़ाई का. सो मैं सबसे पहले होमवर्क करूँगी एंड देन उसके बाद सेल्फ स्टडी. अब आपने ये मेरे कंप्यूटर में नोटिस किया कि ये दो क्या है, टू डू लिस्ट एंड रिमाइंडर्स. ये एक्चुअली मेरा खुद का एक स्टडी हैक है, जिससे कि मैं अपना हर चीज़ याद रखूँ.
सो टू डू लिस्ट में जो भी मुझे आज काम करने जैसे जो भी होमवर्क्स एंड सब है सब मेरे को याद रहता है उससे, तो जब भी काम हो जाता है मैं सीधा टिक कर लेती हूँ एंड हो जाता है मेरा सारा काम। ये बहुत अच्छा लगता है मुझे करना क्योंकि मैं कभी भूलती नहीं कि मुझे क्या काम करना था आज एंड सब का सब जो भी चाहिए था सब हो जाता है। तो इसमें टाइम मैनेजमेंट भी अच्छा सा रहता है। एंड कई लोग पूछते हैं कि कैसे हम लोग ये शूट और स्टडीज़ के बीच में बैलेंस मेंटेन करते हैं, कि हम लोग मंडे टू फ्राइडे शूट नहीं ही करते हैं, मोस्टली मंडे टू फ्राइडे हम पूरा पढ़ाई करते हैं एंड ऑल सब करते हैं। फ्राइडे को कभी कभार कुक विद आशा के लिए शूट करते हैं एंड अगर कुछ अर्जेंट काम है या वैसा कुछ शूट करना है तो हम कर लेते हैं वीकडेज पे टाइम मिलता है तो, वरना मोस्टली वीकेंड्स पे ही होता है। एंड वीकेंड्स पे ऐसा होता है मंडे टू फ्राइडे पढ़ाई, सैटरडे को शूट एंड देन संडे को वापस पढ़ाई क्योंकि मंडे को होमवर्क्स मिल लाइक मंडे के लिए भी होमवर्क्स रहते हैं तो वही रहता है। गाइस अभी आप मुझे पूरे वीडियो में प्रॉब्ली पजामा से नॉर्मल ही देखने वाले हो क्योंकि मैं घर में यही पहनी रखती हूँ यार। तो चलो अभी शुरू करते हैं। आयु इधर देखा यार क्या कर रही है, क्या है 5 बज के तो अभी तक इसी बोरिंग सीट में बैठी है। तो क्या घर में पढ़ रही थी, चलो यार नीचे खेलने जाते हैं। हाँ तो मारने की क्या जरूरत थी, मारने में तो ऐसा कर रही थी मेरा याद है। गाइज आप देख रहे हो कितनी इरिटेटिंग है अनु, मुझे तो कोई अलार्म की भी जरूरत नहीं है, 5 बज गए सीधा आ गई मुझे इरिटेट करके उठाने में। मारूंगी ना तेरे को, बहुत इरिटेट करती है ये लड़की। गाइज देखो गाइज हम तो कैमरा के पीछे ऐसे ही लड़ते हैं, आप लोग कैसे लड़ते हो जरूर वीडियो को लाइक करके बता देना। तो चलो अभी हम जा रहे हैं बैडमिंटन खेलने और मैं इनका को हरा के दिखाती हूँ आपको। आ रही हूँ। अभी हम आ गए हैं खेल कूद के एंड मजा करके, तो अभी हम जाएंगे सीधा फ्रेश होके और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो अब शाम को तो हमको एक ही चीज रहता है, सनसेट म्यूजिक कॉफी एंड रिलैक्सेशन। तो अब कॉफी तो पहले बना लेते हैं हम, तो मैं कॉफी बनाती हूँ, हॉट कॉफी आज पीने का मूड है तो हॉट कॉफी बनाएंगे खुद के लिए और अनु के लिए। अनु को मेरी हॉट कॉफी बहुत ज्यादा पसंद है गाइस। अभी हम आराम से कॉफी को पीते पीते सनसेट एंजॉय कर रहे हैं और अभी हम लोग यूजुअली गाना प्ले करते हैं और शांति से मैं इनका को नए नए गाना सुनाती हूँ और उससे बात करती हूँ। आपको नहीं सुना सकते नहीं तो कॉफी ले जाते हैं, तो इसलिए वही मैं बोले जाती हूँ, तो इसलिए गाना भी प्ले नहीं करेंगे, बस हम आपसे बात करेंगे यहाँ पे। तो गाइज अभी हम लोग सनसेट देख के आ गए, अभी अंधेरा हो गया तो मैं अपने रूम में वापस आ गई जहाँ मैं हमेशा पढ़ी रहती हूँ मोस्टली एटलीस्ट। तो अभी आई थिंक कुछ 7 बजे के आसपास हो रहा है एंड नॉर्मली मुझे 7 o'clock के आसपास भूख लगी जाती है, तो अभी जब तक मम्मी खाना तैयार कर रहे हैं तब तक मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपके कुछ कमेंट्स पढ़ लूँ। तो मैंने कुछ कमेंट्स आपके निकाले हैं एंड अभी मैं आपके कुछ कमेंट्स पढ़ूंगी या तो क्वेश्चंस पढ़ूंगी और उनका रिप्लाई दूंगी। तो चलिए पढ़ते हैं हमारा फर्स्ट कमेंट। सो फर्स्ट कमेंट है संतोष सिरासवर जी से। वाओ संतोष, मेरे डैड का नाम भी संतोष उपाध्याय है। आई वॉन्ट आयुष डाइट रूटीन, डाइट रूटीन मेरा कोई डाइट नहीं एग्जिस्ट नहीं करता, बट हाँ मैं ऐसे कुछ प्रॉपर लाइक डाइट वैसा कुछ फॉलो नहीं करती, मैं सिंपली जंक फूड अवॉइड करती हूँ बस। मतलब संडे अलग बात, अरे मन करता तो संडे को मैं जंक फूड खा लेती हूँ, पिज्ज़ा जो भी मन करे। एंड हाँ एक चीज़ मैं जैसे मैंने कहा आपको मैं डिनर 7 o'clock को ही कर लेती हूँ, आई थिंक ये एक अच्छी बात है। तो वही यू नो 7 o'clock को डिनर करोगे तो उससे हम हेल्दी रहते हैं तो इसलिए ये अच्छा होता है। तो मैं कुछ स्पेसिफिक डाइट रूटीन नहीं करती, बस मैं ये सिंपली ये फॉलो करती हूँ, अगर आपको भी ऐसा फॉलो करना है तो करो। सो अभी सेकेंड क्वेश्चन है सर्वेश श्रीवास्तव जी का एंड उनका क्वेश्चन ये है कि उन्हें मेरा हेयर केयर रूटीन चाहिए। वेल मेरा वैसे मैंने जैसे कहा कुछ ज़्यादा स्पेसिफिक हेयर केयर रूटीन नहीं है, मैं एक हफ्ते में आई थिंक 2-3 बार बाल धो लेती हूँ एंड ऑयलिंग एक बार करती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं एक बार से ज़्यादा करूँ। सो यही है मेरा सिंपल हेयर केयर रूटीन। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है संचिता दे जी से, आयु एंड अनु का फुल डे रूटीन चाहिए उन्हें। वैसे बहुत सारे कमेंट्स आए कि उन्हें मेरा और अनु का रूटीन चाहिए, तो आएगा तो पहले मेरा जाएगा फिर अनु का जाएगा, तो जल्दी आपको अनु का भी मिलेगा। बट उसके लिए आपको इस वीडियो को 50K लाइक्स देने होंगे, अगर ये 50K लाइक्स क्रॉस कर गया तो आपको अनु का रूटीन भी मिलेगा। सो आप जल्दी से 50K लाइक्स तक पहुँचा देना। सो गाइस अभी मेरा डिनर रेडी हो गया और मुझे भूख भी लगी है तो मैं जा रही हूँ अपना डिनर करने, सो मैं आपको डिनर के बाद मिलती हूँ। सो गाइस अभी मेरा डिनर हो गया एंड अभी मैं क्या करती हूँ, मैं अपना ये टू डू लिस्ट से चेक करती हूँ जिससे कि मैं चेक कर लूँ कि मैंने कुछ काम तो छूट नहीं गया या कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी कुछ छूट नहीं गया, तो मैं अभी चेक करूँगी एंड लकीली सब हो गया है।
सब में टिक 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 है। सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्टरी चीज़ रहता है जब मैं अपने टू डू लिस्ट में सब टिक्स देखती हूँ। सो गाइज, अनफॉर्चुनेटली पापा तो कुछ 9:10 के बीच में आते हैं क्योंकि उनका ऑफिस से आने में देरी हो जाती है, एंड हम लोग, मैं, अनुष्का, मम्मी, हम सब आई थिंक 7 to 8 के बीच में ही हम लोग अपना डिनर कर लेते हैं, तो हम साथ में नहीं कर पाते पापा के साथ। बट जब पापा आ जाते हैं तो वो हमें कहीं बाहर ले जाते हैं घुमाने, बस ऐसे ही रात को अच्छा लगता है बाहर घूमना, ऐसी गाड़ी से हम लोग निकल जाते हैं, घूमते हैं। अब फैमिली टाइम तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम सब फैमिली मेम्बर्स इलेक्ट्रॉनिक्स से दूर, एंड हम चारों मिलके बातें करते हैं, इंजॉय करते हैं, गेम्स खेलते हैं कभी, जो भी है। ये मेरा फेवरेट टाइम होता है फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, मज़ा आता है मुझे। तो गाइज, मेरा डे अभी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, अभी बस मेरा रूटीन एंड ऑल सब बाकी है रात का। नहीं नहीं, अभी कैसे ख़त्म हो गया, दूध कौन पिएगा? अनफॉर्चुनेटली ये भी मेरे रूटीन का पार्ट है। अरे मम्मी मम्मी, हॉर्लिक्स तो दो मुझे। अरे हाँ बाबा, मैं भूली नहीं हूँ, ये लो। सो गाइज, अनफॉर्चुनेटली ये दूध पीना भी मेरे रूटीन का पार्ट है, मम्मी मुझे हर रोज पिलवाती हैं, बट ऑनेस्टली मुझे नहीं पसंद दूध, मुझे नहीं पसंद, बस लाइक मुझे इसकी स्मेल होती है, अच्छी नहीं लगती है। सो भाई, अभी मैं इस दूध में मिला लेती हूँ हॉर्लिक्स। सब दूध पी लिया, तो अब मेरी नाइट रूटीन की बारी आती है। सो अभी मेरा नाइट रूटीन में सबसे पहले तो मैं अपना मुंह धोती हूँ, ऐसे सिंपल सा ही है। पहले मैं मेरा मुंह धो लेती हूँ फेस वॉश, जो भी पसीना वसीना, जो भी अपने चेहरे में डर्ट होगी सब निकल जाता है। मैं अपना मुंह धो लिया, अच्छे से फ्रेशनेस आ जाती है। सो मैं अपने स्किन मैं ये डाल देती हूँ मॉइस्चराइज़र, मॉइस्चराइज करने के लिए रात भर अच्छे से, एंड बस ये था मेरा नाइट रूटीन। ओह हाँ, फिर मैं ब्रश कर लेती हूँ। अब मैंने सब खा लिया पी लिया, अब मैं बस ब्रश करूँगी। सो गाइज, ब्रश करके हो गया सब, नाइट रूटीन सब हो गया, अब बस सोना बाकी है, तो मैं मेरा कपड़ा बदल के नाइट सूट में आके सो जाऊंगी। और गाइज, यही था मेरा ऑल डे रूटीन। सो गाइज, मैंने आपको कहा था कि मैं आपको एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाली हूँ, अब टाइम आ गया आपको सरप्राइज के बारे में बताने के लिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़रूर सुनो मेरी बात। तो सरप्राइज आपका ये है कि गाइज, आपने हमारा बर्थडे का ब्लॉग देखा है क्या? अरे कैसे देखोगे जब अपलोड ही नहीं किया है? तो कल हमारा बर्थडे का ब्लॉग हमारे नए चैनल आयोनु व्लॉग्स में जाने वाला है। कल 1 PM को फ्राइडे आने वाला है हमारा नया वीडियो हमारे नए चैनल पे, और हमारा कल कम्युनिटी पोस्ट आएगा, तो उसमें आपको लिंक तो मिल ही जाएगी वीडियो की। तो हमारे वीडियो को लाइक करना, सभी के साथ शेयर करना, और ज़रूर 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 चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर देना। ओ गाइज, मैं तो मम्मी पापा अनु सबको गुड नाइट बोलना ही भूल गई, तो मैं सबको गुड नाइट बोल के सो जाती हूँ, और आप भी वही कर लेना अगर आप रात को देख रहे हो, अगर दिन में देख रहे हो। सो बाय।